नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टेक्निकल में और इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि SBI अकाउंट में कैश डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं ATM मशीन पर जाके। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी चाहते हैं अपने SBI अकाउंट के साथ कैश डिपॉजिट करना, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए। फ्रेंड्स, SBI अकाउंट के साथ कैश डिपॉजिट करने के लिए आप दो तरह से कर सकते हैं। एक बैंक में जाकर कर सकते हैं या आप ATM मशीन पे जाकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि ATM मशीन पे जाकर SBI अकाउंट के में कैश डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्टेट बैंक कैश डिपॉजिट ATM मशीन के पास जाना है। स्टेट बैंक कैश डिपॉजिट ATM मशीन के पास जाने के बाद में ATM कार्ड को ATM मशीन में स्वैप करना है। आप जैसे ही ATM कार्ड को ATM मशीन में स्वैप करते हैं तो ATM होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको इसमें बैंकिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप बैंकिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको इसमें अपना लैंग्वेज चुनना है। इसके बाद ATM होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको इसमें अपना पिन नंबर इनपुट करना है। आपका जो ATM पिन नंबर है उसको इसमें इनपुट कर देना है। इसके बाद ATM होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डिपॉजिट, पिन चेंज, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, तो आपको इसमें डिपॉजिट के ऑप्शन पर। इसके बाद ATM होम स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। कैश डिपॉजिट मेन मेनू, तो आपको इसमें कैश डिपॉजिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही कैश डिपॉजिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ATM होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको इसमें बताया जाएगा कि आप केवल इसमें अधिक से अधिक 200 नोटों की संख्या को डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसकी अधिकतम राशि 49,900 तक होना चाहिए। इसके बाद में कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने ATM होम स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको इसमें अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कुछ समय तक वेट करना है। इसके बाद में ATM होम स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस आएगा और इसमें आपको बताया गया है कि आप केवल इसमें 100, 500 और 2000 की नोटों को डिपॉजिट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी जो नोट होना चाहिए फटा नहीं होना चाहिए और आपके उसका कोना मोड़ा नहीं होना चाहिए या स्टेपलर पिन से लगा नहीं होना चाहिए। और आपके सामने ATM का डिपॉजिट बॉक्स आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपको इसमें अपनी नोटों को डाल देना है और आपको कुछ समय तक वेट करना है जब तक कि आपकी नोटों की वैलिडेशन चेक होता है। इसके बाद में कुछ समय तक वेट करने के बाद में ATM होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको इसमें बताया जाएगा कि 100 की नोटों की संख्या 5 है और 500 नोटों की संख्या 2 है और 2000 नोटों की संख्या 1 है, जिसकी कुल राशि 3500 बनती है। इसके बाद में अगर आप इसमें और राशि को ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसमें ऐड मोर कैश के ऑप्शन पर क्लिक करना है, या नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ समय तक वेट करना है। इसके बाद ATM होम स्क्रीन पर इस तरह का मैसेज आएगा और आपको इसमें बताया जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है और आपकी जो अवेलेबल बैलेंस है वो आपको ATM होम स्क्रीन पर बता दिया जाएगा और इसका स्लिप भी एक ATM मशीन से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आप ATM मशीन पर जाकर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे।